नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित मेहरा और आपका फिर से स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं और मेरी बेटी माया मिलकर बनाएंगे मावा मालपुआ। मावा मालपुआ बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, बहुत ही लजीज होते हैं, तो शुरू करते हैं मावा मालपुआ बनाना। मालपुआ बनाने से पहले देख लेते हैं इनमें कौन कौन सामग्री लगेगी। आधा कप मैदा लेंगे, आधा कप यानी 100 ग्राम मावा लेंगे, आधा कप चीनी लेंगे, एक कप दूध लेंगे, थोड़ा सा इलायची पाउडर लेंगे, थोड़े से पिस्ता और बादाम के टुकड़े लेंगे। फ्राई करने के लिए घी लेंगे। सबसे पहले हम मावा को ग्रेट कर लेंगे। हमने सारे मावे को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। ग्रेट किया हुआ मावा डाल देंगे, इसमें हम मैदा भी डाल देंगे, लगभग 1/4 कप दूध डालेंगे। मैं आवश्यकता अनुसार हम थोड़ा और दूध मिलाएंगे। अब हम बाकी दूध भी इसमें डाल देंगे। हमारा घोल बहुत ही अच्छा बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम 15 से 20 मिनट तक रख देंगे ताकि थोड़ा फूल जाए। अब हम शुगर सिरप बना लेते हैं। इसमें हम 1 कप शुगर और 1 कप पानी डालेंगे और इसे उबालेंगे जब तक ये पूरी तरह से घुल नहीं जाती, और बीच बीच में हम इसे हिलाते भी रहेंगे। जब शुगर अच्छी तरह से पिघल जाए और उबलने लगे तब हम एक कटोरी में 1 या 2 बूंद डालकर चेक करेंगे कि वो हल्की छिपछिपी हुई या नहीं हुई है। और अगर वो हल्की छिपछिपी हो जाती है तब हम गैस को बंद करेंगे और शुगर सिरप को नीचे रख देंगे। लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा बैटर भी फूल गया है। अब हम मालपुए बनाएंगे। अब घी को कढ़ाई में गरम करेंगे। हमारा घी सब पिघल चुका है, गरम हो चुका है। इसमें हम बैटर की ड्रॉप डाल के देख लेंगे कि घी प्रॉपर रूप से गरम हुआ या नहीं हुआ है। सबसे पहले बैटर को घी के अंदर डालेंगे। इसे हम चम्मच से नहीं फैलाएंगे, बैटर अपने आप फैल जाएगा। जब मालपुए के किनारे हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इनको पलट कर दूसरी तरफ से भी पकाएंगे और दोनों ही तरफ लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। फिर इन्हें कलछी की सहायता से प्लेट में निकाल लेंगे। निकालते समय हम घी को पैन के अंदर निथार देंगे। इसी प्रकार बैटर से हम सारे मालपुए बना लेंगे। बने हुए मालपुओं को अब हम शुगर सिरप में डालेंगे। इसमें इसे हम 2 से 3 मिनट तक रहने देंगे और फिर निथार कर एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट मावा मालपुआ बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही सुंदर बने हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। तो आप भी अपने घर पर त्योहारों पर, अच्छे मौकों पर इनको बनाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं, अपने परिवार को खिलाएं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो उसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक ऐसी नई डेलीशियस रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।